बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 2 क्लास 9 रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो रियल नंबर की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहले आपके पास है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, इसको हम देख लेते हैं। फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज A plus B belongs to R and A multiply B belongs to R। ठीक हो गया। कोई भी दो रियल नंबर्स ले लें, उनको आप ऐड करेंगे तो अगेन एक रियल नंबर आएगा, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी आपके पास एक रियल नंबर आएगा। मीन टू से क्लियर प्रॉपर्टी ये बताती है कि दो नंबर्स का सम लें तब भी रियल नंबर आता है, और दो नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो तब भी आपके पास क्या आता है, रियल नंबर आता है। दो नंबर्स का सम भी रियल होगा और दो नंबर्स का प्रोडक्ट भी रियल होगा। इस प्रॉपर्टी को हम क्लियर प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यहां से हम ये बात कह सकते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है वो एडिशन के लिहाज से भी क्लोज है और मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से भी क्लोज है। दिस इंप्लाइज आर इज क्लोज्ड under addition and multiplication। addition के respect से भी closed है और multiplication के भी लिहाज से ये closed है। अब हम एक counter example लेते हैं। अगर आपके पास ये A कोई set है, इसमें elements है 0, minus 1 और plus 1, ये इसमें suppose कर ले 3 elements हैं। हम check करना चाहते हैं कि ये closed है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो एडिशन के रिस्पेक्ट से आपने चेक करना है कि ये क्लोज है कि नहीं है। इस पर्पस के लिए हम क्या करेंगे, ऑल पॉसिबल पेयर्स लेंगे इस सेट में से, उनको आप ऐड करेंगे और रिजल्ट देखेंगे क्या आता है। जैसे जीरो में अगर हम जीरो ऐड करें तो यू विल गेट अगेन जीरो। अगर जीरो में आप माइनस वन को ऐड करें तो माइनस वन आता है। अगर आप जीरो में वन को ऐड करें तो आपके पास वन आता है। ये जीरो को हमने लेकर सबके साथ बारी बारी क्या कर लिया, ऐड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, माइनस वन को लेकर बारी बारी सब में ऐड करेंगे। माइनस वन को जीरो में ऐड करें, जीरो माइनस वन आ जाएगा। फिर माइनस वन को आप ऐड करें माइनस वन में तो यू विल गेट माइनस टू। अब ये जो माइनस टू है, यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन जब माइनस वन को माइनस वन में हमने ऐड किया तो आपके पास माइनस टू आ गया। अब ये जो माइनस टू नंबर है, ये आपके पास देखें इस सेट में नहीं बिलोंग कर रहा। माइनस टू इस सेट में नहीं है, इसमें जीरो है, माइनस वन है और वन है। माइनस टू इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा। तो अब हम क्या लिखेंगे, चूंकि ये बिलोंग नहीं कर रहा तो हम इस तरह लिखेंगे डज नॉट बिलोंग टू ए। ये डज नॉट बिलोंग टू के लिए है, माइनस टू डज नॉट बिलोंग टू ए। तो माइनस टू इस सेट में नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि आप यहां पर यह लिखेंगे ए इज नॉट क्लोज्ड, A is not closed under addition। Addition के लिहाज से ये set closed नहीं है। तो clear property को examine करने का जो procedure होता है वो ये होता है कि जो भी आपके पास operation given है, चाहे addition है, multiplication है, आपने उस set के तमाम elements को लेकर बारी बारी वो जो binary operation है वो apply करके आपने results avail करने हैं, और उन results को फिर set के साथ compare करना है। तो जैसे ही हम एडिशन के लिहाज से चेक कर रहे हैं तो ऑल पॉसिबल पेयर्स को लेके हमने ऐड करना है, अनटिल अनलेस कि कोई ऐसा रिजल्ट ना आ जाए जो इस सेट में बिलोंग नहीं करता। तो जैसे देखें माइनस टू इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये एक ऐसा रिजल्ट हमें मिल गया एडिशन के, जब हम एडिशन को अप्लाई कर रहे थे तमाम पॉसिबल पेयर ऑफ नंबर लेके, तो ये दो आपके पास पेयर ऐसे थे माइनस वन को जब माइनस वन में हमने एड किया तो आपके पास माइनस टू आ गया। तो ये जो माइनस टू है ये गिवन सेट से बिलोंग नहीं कर रहा, तो यहां पे हम क्या देंगे कि ये क्लोज्ड नहीं है। अब हम सेकंडली चेक करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन के लिए कैसे चेक करेंगे, हम पॉसिबल पेयर्स को लेके मल्टी, पहले जीरो को सबके साथ, जीरो को जीरो के साथ, जीरो जीरो को माइनस वन के साथ, जीरो जीरो को वन के साथ मल्टीप्लाई करें जीरो। फिर आपने ये करना है माइनस वन को मल्टीप्लाई करना है जीरो के साथ, तो ये जीरो आ जाएगा। माइनस वन को मल्टीप्लाई करें माइनस वन के साथ तो इट वुड बी वन। माइनस वन को फिर वन से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस वन। अब वन को लेकर बारी बारी सबके साथ मल्टीप्लाई करें, वन को जीरो से मल्टीप्लाई करें
तो ये आ जाएगा 0, 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट माइनस 1, और 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर विल बी 1। तो अब देखिए, हमने ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ नंबर्स लिए, उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद हमने देखा कि जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, दीज ऑल बिलोंग्स टू दिस सेट। देखिए, 0 आ रहा है पहले केस में, जब 0 को सबके साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो 0 आ रहा है, तो 0 इस सेट में मौजूद है। फिर हमने माइनस 1 को लेकर मल्टीप्लाई किया तो 0, 1, माइनस 1, ये तीनों नंबर्स इस सेट में मौजूद हैं। फिर 1 को लेकर मल्टीप्लाई किया सबके साथ, 1 को 0 के साथ, माइनस 1 के साथ, 1 के साथ, तो ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ये भी सेट के अंदर आपको नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स जो हमने यहाँ पे लिए हैं ऑल बिलोंग्स टू दिस गिवन सेट ए। तो हम क्या लिखेंगे, ए इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो ये ए आपके पास जो सेट है, तो किसी भी सेट को क्लोज चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, ये स्कीम आप अप्लाई करेंगे कि ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ नंबर्स उस सेट में से पिक करेंगे, जिस भी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से आपने उसको क्लोज चेक करना है, आप वो बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करके ऑल पॉसिबल पेयर्स के बीच में रिजल्ट्स अवेल करेंगे, अटेंड करेंगे, और वो जो रिजल्ट्स होंगे, अगर कोई एक भी ऐसा रिजल्ट आपको मिल जाता है जो इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा, तो देन वी से कि ये क्लोज नहीं है। और अगर ऑल पॉसिबल पेयर्स को लेने के बाद जो रिजल्ट्स हैं वो सारे के सारे इसी सेट के मेंबर्स हों, इसके अलावा कोई और एलिमेंट ना आए, तो देन दैट विल बी से कि ये सेट क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू दैट मेंशनड बाइनरी ऑपरेशन। तो अब सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर आपको पता है कि सेट इनफाइनाइट में नहीं है, रियल नंबर्स को हम काउंट नहीं कर सकते, दे आर काउंटलेस। तो अब ऐसे में ये जो वाला जो फिनोमिनन है इसको चेक करना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, वी कांट एम्प्लाई दिस मेथड। तो इस पर्पस के लिए हमें फिर क्या करना पड़ता है, हम जनरलाइजेशन यूज करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच यूज करते हैं, हम जनरल कोई दो रियल नंबर्स लेते हैं, उनको ऐड करते हैं, और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इनका बिहेवियर कैसा हो सकता है। तो उससे क्लियर प्रॉपर्टी का हमें क्या होता है, आइडिया हो जाता है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, दैट इज क्लियर प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, के रियल नंबर जो होते हैं वो एडिशन के रिस्पेक्ट से भी क्लोज होते हैं, मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से भी क्या होते हैं, क्लोज, क्लियर प्रॉपर्टी उनके ऊपर होल्ड करती है। ठीक है, तो सेट ऑफ रियल नंबर इज क्लोज अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन दोनों के लिहाज से सेट ऑफ रियल नंबर क्या है, क्लोज्ड है। अब सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है इसको भी देख लेते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है फॉर एनी ए बी सी बिलोंग्स टू आर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, के एडिशन के रिस्पेक्ट से जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो क्या बताती है, वो ये रिवील करती है कि आप जब कभी भी कोई दो नंबर्स को ऐड करके उनमें तीसरा नंबर ऐड करेंगे तो ऑर्डर क्या होगा, पहले सेकंड और थर्ड को लेकर ऐड करें फिर उसमें फर्स्ट ऐड कर दें, या पहले फर्स्ट और सेकंड को ऐड करके फिर उसमें थर्ड ऐड करें, इन बोथ केसेस यू विल गेट द सेम रिजल्ट। और सेकंड है आपके पास एंड ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, सेम इज द केस फॉर मल्टीप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ये बेसिकली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें यह बताती है कि अगर आपके पास दो से ज्यादा नंबर्स को ऐड करना पड़ जाए या दो से ज्यादा नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ जाए तो वहां पे ऑर्डर जो है ना वो मैटर नहीं करता। आप कोई से भी दो को ऐड करके तीसरा ऐड करें, फिर उस तीसरे को ऐड करने के बाद फिर फोर्थ ऐड करें, फिफ्थ ऐड करें, यहां पे ऑर्डर जो है ना वो मैटर नहीं करता। ये ब्रैकेटिंग प्रॉपर्टी है कि पहले फर्स्ट टू को ऐड करके उसमें थर्ड ऐड करें, या पहले सेकंड टू को ऐड करके उसमें फर्स्ट ऐड करें, या पहले दो को मल्टीप्लाई करके उसके साथ तीसरा मल्टीप्लाई करें, या पहले दूसरे और तीसरे को मल्टीप्लाई करके पहला मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो ये कहते हैं इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हम इसको भी चेक कर सकते हैं, इसको देख लेते हैं हम कि ये कैसे हम इसको चेक कर सकते हैं। देखें 2 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 5, ये तीन नंबर्स ऐड हो रहे हैं, हमने ट्वाइस लिखे, हम दो ऑर्डर्स लेकर चलेंगे, दो साइड से हम ये एडिशन अप्लाई करेंगे, एक दफा राइट साइड से हम लेफ्ट की तरफ आएंगे, एक दफा लेफ्ट से राइट की तरफ। ये देखें सेकंड और थर्ड को ऐड करके उसमें फर्स्ट ऐड करें, या फर्स्ट और सेकंड को ऐड करके उसमें थर्ड ऐड करें, देखते हैं कि रिजल्ट दोनों केसेस में क्या आता है। ये 8 आ गया, ये 5 प्लस 5 आ गया, तो 2 और 8 10 हो गया, और 5 और 5
10 हो गया, इसी को मल्टीप्लीकेशन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपके पास आ गया, देखें इसमें पहले सेकंड और थर्ड को आपने मल्टीप्लाई करके फिर फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें, या फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करके उसको थर्ड से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट द रिजल्ट सेम रिजल्ट इन बोथ केसेस। ये 6 मल्टीप्लाई 5 आ गया तो ये 30 इज इक्वल टू 30 आ गया, तो बोथ साइड्स आर गेटिंग इक्वल। तो सो हम ये कह सकते हैं कि एडिशन और मल्टीप्लीकेशन जो होती है वो एसोसिएटिव होती है, तो रियल नंबर्स के ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या करती है, होल्ड करती है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दैट इज कमोटेटिव प्रॉपर्टी। कमोटेटिव प्रॉपर्टी, कमोटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है इसको भी देख लेते हैं। फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू आर, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, एंड बी ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। आप देखें कि जब कभी भी दो नंबर्स को आप ऐड करके ऑर्डर चेंज कर दें, ए में बी ऐड करें या बी में ए ऐड करें, आंसर वुड बी द सेम। ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें, सेम रिजल्ट आएगा। तो ये जो साइड है ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कमोटेटिव प्रॉपर्टी है, और ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट से हमने कमोटेटिव प्रॉपर्टी, इसको भी आप चेक कर सकती है। देखें 2 प्लस 5 करें या 5 प्लस 2 करें, 2 प्लस 5 होता है 7 और 5 प्लस 2 होता है 7, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है। इसी तरह 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें या 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, इन बोथ केसेस यू विल गेट 10। तो ये एडिशन और मल्टीप्लीकेशन जो होती है ये कमोटेटिव होती है, जिसका मतलब कमोटेटिव प्रॉपर्टी सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर होल्ड करती है। कोई भी दो रियल नंबर्स को लेके ऐड करें, उनको ऑर्डर चेंज करके भी ऐड करें, तब भी रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। तो ऑर्डर डजंट मैटर्स इन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। तो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में जो रियल नंबर्स का ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता। जिस मर्जी पहले ए में बी ऐड करें या बी को लेकर उसमें ए ऐड करें, ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें, बोथ केसेस यू विल गेट सेम रिजल्ट। इसका मतलब ये कि एडिशन और मल्टीप्लीकेशन है उसमें नंबर्स की जो तरतीब है वो मैटर नहीं करती। आप अगर नंबर्स की अरेंजमेंट को आगे पीछे कर देंगे तो इवन जो है ना दैट आपके पास क्या होगा, ये एडिशन और मल्टीप्लीकेशन सेम रिजल्ट देगी। इसको कहते हैं कमोटेटिव प्रॉपर्टी। कमोटेटिव प्रॉपर्टी के बाद हम एक बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। आपने एक बात याद रखनी है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी है जीरो बिलोंग्स टू आर एंड फॉर एनी ए बिलोंग्स टू आर। कोई भी दूसरा रियल नंबर लेके उसमें जीरो ऐड करें तो उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं होता, वो नंबर वैसे का वैसा रहता है। टू में जीरो ऐड करें या जीरो में टू ऐड करें, यू विल गेट टू इन बोथ केसेस। तो इट्स मीन यहां पे जो एडिशन है वो जीरो की एडिशन किसी भी नंबर में या किसी भी नंबर की एडिशन जीरो में कोई इफेक्ट नहीं लाती, वो नंबर वापस आपके पास एज इट इज आ जाता है। तो दैट इज व्हाई इसको हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। इसके बाद है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, वन एक रियल नंबर है एंड नाउन एज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो आज आपने ये बात याद रखनी है कि जीरो एडिटिव आइडेंटिटी और वन क्या है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। आई ई फॉर एनी ए बिलोंग्स टू आर, ए को वन से मल्टीप्लाई करें या वन को ए से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो वन आपके पास क्या है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने लगे एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स 6 या 7 प्रॉपर्टी है जो भी है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है। फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू आर, इफ ए प्लस बी या बी प्लस ए इक्वल टू जीरो आ जाए तो देन ए एंड बी आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। एडिटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर, कोई भी दो नंबर्स लें उन्हें ऐड करें और आपके पास अगर आंसर जीरो आ जाए
तो एट दैट केस हम क्या कहते हैं, उन्हें एडिटिव इनवर्सेस कहते हैं। ठीक है, वो दोनों नंबर एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स होंगे। तो किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना बहुत इजी है, जस्ट आप साइन चेंज करेंगे तो आपके पास किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। जैसे आपके पास ये 3 है, आप इसी को कहते हैं कि इसका एडिटिव इनवर्स बताएं, तो जस्ट आप इसका साइन चेंज करें, -3 इसका एडिटिव इनवर्स होगा, क्योंकि 3 में जब आप -3 ऐड करेंगे या -3 में 3 ऐड करेंगे तो इन बोथ केसेस यू विल गेट 0। ठीक है, तो जब कभी भी दो नंबर्स को, इसी तरह अगर आपके पास -5 है, आपसे कोई कहता है कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो एडिटिव इनवर्स के लिए आप जस्ट क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, तो ये +5 इसका एडिटिव इनवर्स होगा, क्योंकि -5 में 5 ऐड करें या 5 में -5 ऐड करें, इन बोथ केसेस वी विल गेट 0। तो अब आपके पास एडिटिव इनवर्स फाइंड करना आ गया आपको, कि जब कभी भी आपको कोई भी नंबर दिया जाए और कहा जाए कि आप उसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करें, तो आपने क्या करना है, साइन चेंज कर देना है। तो साइन चेंज करने से यू विल गेट एडिटिव इनवर्स। अब इसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, इसको भी हम देख लेते हैं। फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू आर, इफ ए को बी में मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें, अगर आपके पास 1 आ जाए, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो इस केस में ये जो ए एंड बी होंगे ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएंगे। ए एंड बी आर कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, जस्ट बाय टेकिंग रेसिप्रोकल। जैसे 3 है, इसका आपसे को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताएं, तो आप क्या करें, इसका रेसिप्रोकल 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 3 से, ये कटिंग होके 1 आपके पास आता है। इसी तरह अगर आपसे कोई कहता है कि 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताएं, तो इसका 8 का रेसिप्रोकल ले लें, 1/8 है तो 8/1 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें 8 को 1/8 से या 1/8 को 8 के साथ, इन बोथ केसेस वी विल गेट 1। तो इसी तरीके से अगर आपके पास a by b लिखा हुआ है और आपसे कहते हैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो आपने क्या करना है, b over a कर देना है। तो b over a करें, b over a को a by b से मल्टीप्लाई करें या a by b को b over a से कट जाएगा b b से, तो यू विल गेट 1। तो जस्ट बाय टेकिंग रेसिप्रोकल यू विल गेट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी रियल नंबर। तो किसी भी रियल नंबर का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप लेना चाहते हैं, तो जस्ट आपने क्या करना है, आपने सिंपली ये करना है कि उसका रेसिप्रोकल ले लेना है। ठीक है, अगर सिंपल नंबर है जैसे 3 है तो उसको 1/3 कर दें, और अगर 1 नंबर में कोई नंबर है तो उसे उलट करके 8/1 कर दें या 8 सिंपली कर दें। ये इसी तरह a और b अगर फ्रैक्शनल नंबर है तो a और b है तो b और a कर दें। तो जस्ट बाय टेकिंग रेसिप्रोकल यू विल गेट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दैट नंबर। एडिटिव इनवर्स के लिए साइन चेंज करना है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए आपने नंबर का क्या करना है। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज जो कि हम डिस्कस करेंगे वो है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, हम इसको ऐसे भी कहते हैं मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो ये क्या होता है, फॉर एनी A, B, C belongs to R, अब दो ऑपरेशन एक साथ आ रहे हैं, नंबर्स को ऐड करके फिर उनको C से मल्टीप्लाई करें या पहले C से दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें फिर ऐड कर दें, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ठीक है, तो ये देखें A plus B, पहले ऐड करके उनको C से मल्टीप्लाई करें या पहले दोनों को C से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर दें, इस केस में ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलेंगे। और इसी तरीके से अगर ये हो a प्लस बी लेफ्ट साइड से c अगर मल्टीप्लाई हो सी ए प्लस सी बी, तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो ये दो तरह के लॉज हैं यहाँ पे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव के अगर राइट साइड पे कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है एडिशन पे तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और अगर एडिशन पे लेफ्ट साइड से कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो दैट वुड बी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये दो तरह के लॉज हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। तो इनको आपने क्या करना है, ध्यान में रखना है, ये आप इसको इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं, देखें 2+5 × 3 करें या 2 मल्टीप्लाई 3 + 5 मल्टीप्लाई 3,
3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके देखें, 2 प्लस 5 कितना होता है, 7 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, 7 3 जा 21, एंड इधर भी आपके पास क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो ये आपने कुछ प्रॉपर्टीज थी रियल नंबर्स की जो हमने डिस्कस की है, इनको आपने अच्छे से समझ लेना है, इनको याद कर लेना है, उसके बाद हम इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे और फिर इन इक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, तो यूं हमारी थ्योरी रियल नंबर्स के ऊपर कंप्लीट हो जाएगी। आफ्टर दैट हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे।